हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। तो क्या ऐसे सिर्फ आप लोग ऐसा लीपा पोती करके चले जाइए तो ऐसे हो जाएगा काम? क्या आए दो गिट्टी डाले, डामर डाले और चले गए? अभी गवर्नमेंट ने अभी तक उसका अप्रूवल नहीं दिया। अप्रूवल आएगा कब? ब्रिज गिरने के बाद? उनकी जान जाती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अब बात मसला ये है दूसरा के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आ करके सुबह से वहाँ धूप पट्टी का काम करे। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद हम मुम्बरा बाईपास पर। आपको बता दें कि मुम्बरा बाईपास पर लगातार हादसों का सिलसिला जारी है। खास तौर पर आपको दिखाएंगे कि जो मुम्बरा बाईपास का ये ब्रिज है, जो रेती बंदर की तरफ आके उतरते हैं आप, ये जो ब्रिज है यहाँ पर लगातार जो है हादसों की खबर सामने आ रही है। और हादसा होने की वजह जो ये है कि जो ये रोड है ये बहुत ही जो है खराब स्थिति इस रोड की हो गई थी। और कल रात में जो है आपको बता दें यहाँ पर कि आप जो बॉलर देख रहे हैं ये एक ट्रक में लोड होकर जो है यहाँ से गुजर रहा था और यहाँ पर रास्ता सही ना होने की वजह से, यानी यहाँ पर काफ़ी गड्ढे थे और जो है रोड के छड़ जो है सरिये वो बाहर दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से ट्रक का संतुलन बिगड़ा और ये काफ़ी इसका वजन होने की वजह से जो है ये ट्रक के बॉडी को तोड़ते हुए एक बगल में बाजू में ही बिल्कुल जो है एक कंटेनर जा रहा था, उस कंटेनर पर जाकर टच हो गया। गनीमत ये रही कि जो है ये ब्रिज से नीचे नहीं गिरा, यानी कि नीचे रोड है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस घटना के बाद आज जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के जो है अधिकारी यहां पर आए थे और आपको दिखाए थे कि ये जो यहां पर गड्ढे वगैरह थे ये सब पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने इसे भरने का काम किया है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए वो काम इस मुम्बरा नहीं हो रहा है। काफ़ी जर्जर स्थिति हो चुकी है इसकी और सिर्फ जब यहाँ पर लगातार होने लगते हैं उसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो है वो आते हैं और जो गड्ढे यहाँ पर होते हैं उन्हें लीपा पोती, एक तरह से कह सकते हैं लीपा पोती करके गिट्टी डामर मिट्टी जो भी मटेरियल मिला वो डाले और बनाए यहाँ से निकल गए। कुछ दिन के बाद वो गड्ढे फिर से जिंदा हो जाते हैं और दोबारा हादसों को न्योता देते हैं। गनीमत ये रही कि जो इधर दो चार दिन के अंदर जो हादसे हुए हैं इसमें किसी की जान नहीं गई है, लेकिन इसके पहले भी लगातार जो भी हादसे होते हैं अक्सर बाइक सवार हो गए या फिर और भी गाड़ियां हो गई, एक्सीडेंट की खबरें सामने आती थी, कई लोगों ने अब तक मुम्बरा बाईपास पर जान गंवाई है। सवाल उठता है कि ऐसी लापरवाही, जिस तरह से ये मुम्बरा बाईपास है और यहाँ पर जो है इसकी इस रोड की हालत जो इतनी खस्ता हो चुकी है और इसकी वजह से अगर किसी की जान जाती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी वर्कर तमाम लोग यहाँ पर आए थे और खाना पूर्ति करके चले गए। जो गड्ढे यहाँ पर थे उन्हें भर दिया गया है, लेकिन अभी भी इतनी खराब स्थिति है कि जो बाइक वाले होते हैं और भी जो यहाँ से गुजरते हैं वो उनकी गाड़ियाँ कहीं ना कहीं जो ये बीच में आप देख रहे हैं इस तरह से अगर पहिया उस पर जाता है तो उनकी बाइक लहर मार देती है, लेकिन इस सब पर न्याय ध्यान देते हुए इसका फिर से मरम्मत कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि खाना पूर्ति लीपा पोती यहाँ पर किया जा रहा है। और आपको बता दें कल जब यह हादसा हुआ था करीब 6 से 5 घंटे जो है यहाँ पर ट्रैफिक जो है जाम थी दोनों तरफ, यानी सिलफाटा से भी आने वाली और रेती बंदर से तरफ से भी जाने वाली जो रोड है ये दोनों रोड यहाँ पर जो है बंद कर दी गई थी, क्योंकि आप जो ये देख रहे हैं ये यहाँ पर जो है दो दो गाड़ियों पर लोड किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो गाड़ियों पर लोड किया गया वो लेकर इसे नहीं जा पाए, जिसके बाद से कल से ही रात से ये यहाँ पर रख दिया गया है। और पीडब्ल्यूडी विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे भी हमने बात की है, वो भी आपको सुनाएंगे कि इस मुम्बरा बाईपास की मरम्मत कार्य के लिए उन्होंने क्या कुछ हमारे सवालों का जवाब दिया है। कैमरे पे नहीं, आप डिप्टी इंजीनियर हो तो आपको बोलना ही पड़ेगा ना, आप मुम्बरा बाईपास पे आए हो, यहाँ पर आपने क्या रिपेयरिंग किया है? रिपेयरिंग नहीं किया है, हमने वायरिंग कोट का काम किया है। क्या किया है वहाँ पर, क्या काम? वायरिंग कोट का मतलब
ये भी हमारे अधिकारी ही है। हमारे जो एक्सपांशन जॉइंट थे उसमें जो ये आया था, जो गैप आया था रोड में और एक्सपांशन जॉइंट में, वो हमने बिटुमिनस कंक्रीट में वो लेवल कर दिया। इसके अलावा आप उसकी हालत देखें, वो ब्रिज कितना खतरनाक वो सिचुएशन वहाँ का हो चुका है, तो क्या ऐसे सिर्फ आप लोग ऐसा लीपा पोती करके चले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा काम क्या? नहीं, एक साल पहले हम लोगों ने इसका जॉब भेज दिया है गवर्नमेंट के पास। अभी गवर्नमेंट ने अभी तक उसका अप्रूवल नहीं दिया। इसके ऊपर ओवरले करने का है 120 mm। जब गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगा तब अप्रूवल आएगा कब ब्रिज गिरने के बाद? अभी देखिए, अभी हम तो बता नहीं सकते। आप जैसा बात कर रहे हो वैसे तो हम बात नहीं कर सकते। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ। कब आएगा अप्रूवल? आप लोग सर मांग करो ना, आप लोग मांग करो ना जल्दी करने का। यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, लोगों की जाने जा चुकी है इस बाईपास पर, और जिस पुल पर ये हादसा हो रहा है लगातार यहाँ पर जो हादसे हो रहे हैं, उस पुल की आप हालत देखे हैं कितनी खतरनाक हालत है। बाइक वाले गिरते हैं, उनकी जान जाती है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर आप लोग पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारी हो ना आप लोग, तो किसकी जिम्मेदारी है? वहाँ जान जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? ये ना आप जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वैसे हमको पता नहीं पड़ेगा। इसका प्रपोजल गवर्नमेंट को गया है हमारा, जैसे उसको अप्रूवल मिलता है तो उसका काम होगा। कितना दिन हो गया ये आप लोग को प्रोसीजर भेजे गवर्नमेंट के पास? अभी एक साल हो गया ना, एक साल हो गया। कितने समय में अप्रूवल आता है? गवर्नमेंट अप्रूवल देगा तो ही हम काम कर सकेंगे ना। हमारे कितने साल में आता है? एक साल हो गया आपको भेजे ना, तो कितने साल में आया? गवर्नमेंट को भेजा है लेकिन उन्होंने अप्रूवल देना चाहिए। तो आप फिर दोबारा करो ना, अगर नहीं आ रहा है दोबारा आप करो। करेंगे अभी भी करेंगे, या सिर्फ खाना पूर्ति आप अधिकारी लोग मिल के करते हो? हम दे दिए तो काम खत्म? लोगों की जान जाए इससे कोई मतलब नहीं। जान सबकी, शिकायत हुई, हादसा हुआ, आए दो गिट्टी डाले, डामर डाले और चले गए। काम नहीं होता, नहीं वैसे काम नहीं कर रहे हम, जैसे जरूरत है वैसे ही काम कर रहे हैं, या तकरार होती वैसे ही काम नहीं कर रहे हम, जैसे जरूरत वैसे ही काम कर रहे हैं। तो अभी क्या माना जाए, जिससे हालत इसकी खराब है इतनी, तो कब तक ये पूरा होगा? अप्रूवल कब तक आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ अंदाजा है आप लोग? मुझे लगता है जनवरी के बाद ही होगा, ऐसा लगता है जनवरी। गवर्नमेंट का हम नहीं बोल सकते, वो भी बोल नहीं सकते, लेकिन हमको लगता अंदाजा, इसलिए मैं अंदाजा बोल रहा हूँ। अंदाजन जनवरी या फरवरी तक मिल सकता है इसका। क्या नाम है सर आपका? अमोल वर्धी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पर जिस तरह के हादसे हो रहे हैं, इसके पहले भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किए थे, उस समय भी पीडब्ल्यूडी विभाग के कुछ अधिकारी यहाँ पर आए थे, उस समय भी आप लोग बात किए थे। आज तो थोड़ा बहुत बहरहाल काम इन लोगों ने किया है, जो बड़े बड़े थोड़े गड्ढे थे उसको भरा गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो हादसे तो हो ही रहते, मगर ये एक हफ्ते से, पिछले एक हफ्ते से काफी ज्यादा हादसे हुए। एक एक वक्त में 5-5 गाड़ियां खराब हुई। सिर्फ उसका कारण ये था, वो जो ब्रिज है पीछे, वो ब्रिज का जो पट्टा है उसमें इतने गैप होने की वजह से गाड़ी स्लो में भी अगर आगे बढ़ती थी, जंप होने की वजह से किसका पाटा टूटता था, किसका प्रेशर प्लेट वगैरह वगैरह करके बड़ा हादसा होता था। कल रात में हम पूरी रात यहाँ थे, कल भी वो खड्डे की वजह से एक गाड़ी में ब्लोअर रखा हुआ था जो आकर के बाजू के कंटेनर में गिर गया। सारी रात लग गई उसको हटाने में, हम लोगों ने काफी दिक्कत परेशानी में मेहनत की हमने कि उसको हटावे, नहीं हटा पाए तो फिर हम लोग ने वहीं छोड़ दिए। अब मसला यह है दूसरा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आ करके सुबह से वहाँ थूक पट्टी का काम करे, सिर्फ वो डामर वगैरह ऐसा छोड़ करके गए। मुझे लगता नहीं कि वो ज्यादा दिन चलेगा, ज्यादा दिन तो वो चलने से रहा। और दूसरी बात, मुमरा के अंदर हम समस्याओं से जूझ रहे ट्रैफिक की, ट्रैफिक अधिकारी सारे जितने भी है वो एक छोटे से इलाके की वजह से, छोटे से एरिया की वजह से हादसा जहाँ हो रहा है घड़ी घड़ी, सारे आईटीओ विभाग के अधिकारी सारे यहाँ पूरी पूरी रात मौजूद रह रहे, क्योंकि मुमरा में ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ हादसा हो रहा है, यहाँ की ट्रैफिक क्लियर करा रहे। और मैं आपका भी बहुत धन्यवाद दूंगा, जो आप कल रात में पूरी रात यहाँ थे वो ब्लोअर हटाने में। तो मैं मुश्ताक शेख शिवसेना की पूरी टीम की तरफ से इस्लामुद्दीन साहब को बहुत बहुत शुभकामना और शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक सच्चे पत्रकार के जैसा आपने सारी रात यहाँ खड़े रह करके ट्रैफिक भी हटाई, लोगों को दिलासा भी दिलाया, न्यूज भी चलाई और ब्लोअर हटाने में बहुत बहुत सहायता की। इसके लिए हम सब शिवसैनिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।